कीर्तन को लेकर के नहीं आते, यदि गौर ना है तबे की होई का। अगर भगवान महाप्रभु ना होते तो कीर्तन कहां से आता, इस बात को कितने लोग महसूस करते हैं, पता है। तो इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए श्रीमन महाप्रभु को उस भाव से पुकारिए। आप लोग बोलिए, कहिए, हे निमाय, हे निताय, हे निमाय, हे निमाय, हे निताय, हे निमाय, कहो कीर्तन में आए हे निमाय, हे निताय, हे निमाय, कीर्तन में आए। कितने लोगों को चाहते आप बुलाना चाहते हो तो कहना पड़ेगा, हे निमाय, हे आप लोग भी बुला लो, उधर आ जाएंगे इधर आएंगे नहीं। हे निमाय, हे निताय, हे निमाय, हे निताय, कीर्तन में आए हे निमाय, हे निताय, कीर्तन में आए हे निमाय, हे निताय, कहो प्रेम से, कीर्तन में आए हे निमाय, हे निताय, हे निमाय, हे निताय, तो उनकी माता उनको पुकारती थी, कैसे, आप लोग भी पुकारिए, कहिए निमाय, पुकारिए भगवान को, छोटे से भगवान को, निमाय, ऐसे नहीं आएंगे, भगवान दूर है, दूर, कहो निमाय, हे निमाय, हे निमाय।
शास्त्र कहता है अहो दुखम महादुखम दुखा दुखम तरम यता। इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? अहो दुखम महादुखम, उन दुखों का बाप दुखा दुखम तरम यता। क्या है वो दुख? काचार्थ विस्मृतम रत्नम हरेर नाम एव केवलम, कि मैं हरि नाम रूपी रत्न को देख नहीं पाया और कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता रहा। माता जी लोगों को पता होगा जरकन बोलते ना, जरकन। प्रभु जी लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा। जरकन होती है, जरकन वो हीरा नहीं होता लेकिन हीरे जैसा ही होता। तो शास्त्र कहता है ऐसे नकली हीरों को इकट्ठा करने के चक्कर में काचार्थ विस्मृतम रत्नम, मैं उस रत्न को भूल गया। किस रत्न को? हरे नाम एव केवल। इसलिए कह रहे हैं आपकी मिला था जो मौका मुझको। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काले, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मित्रशिन मेहाजने नानुराग। आपकी दया से मुझको मौका मिला था जो संसार के विषय अब जो मिले हो ये।
सब लोग रंग महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की। आप सब ने आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे ना, आनंद आ रहा है। देखिए गाने के लिए शब्द बहुत हैं, भजन बहुत हैं, पंक्तियां पदावलियां सुंदर सुंदर, लेकिन ये स्थान जो है ना, जब मेरी नजर सामने चली जाती है, ये वैष्णव वृंदों पे चली जाती है, तो अगर किसी व्यक्ति को मूल मिला हो ना, मूल मूल जानते हैं, मूल जड़ मिल गई हो, तो वो अपने घर में पौधा लगाता है। जैसे आई कैन टेक माई एग्जाम्पल, मुझे अमरूद पसंद है, तो मैं किसी के घर के घर से जाके अमरूद तोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने क्या किया, एक बीज दे दिया, जा अपने घर में अमरूद लगा ले, तो मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा ना। ऐसे ही आज आप अपने घर में बैठे सब, ये किसी संप्रदाय किसी संस्था किसी किसी समाज का घर नहीं है, ये सबका है। क्यों? क्योंकि वो सबके, वो देख रहे ना, वो एक नजर डालिया देख रहे हैं ना, वो सबके हैं, उनसे सब है, वो सबसे नहीं। इन बातों को समझ करके शास्त्र कहता है सभी पुंसों परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षज्य। हम लोग बीच बीच में कीर्तन भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ नए चेहरे ऐसे देख रहा हूं। आप में से कौन यहाँ पे ऐसा कौन बैठा है जो अभी तक हरि नाम नहीं करता? कोई है जो नया है अभी? पीछे इधर सब हरि नाम करते हैं। हरि नाम मतलब माला, माला, ये माला सब लोग माला करते हैं। जो लोग नहीं करते वो हाथ ऊपर करते, बोलना पड़ेगा। देखिए कीर्तन जो होता है वो मनोरंजन के लिए नहीं होता, वो आत्मरंजन के लिए होता है। आत्मरंजन हो जाए, जैसे आपने सुना होगा, जैसे जो लोग मूवीज बनाते हैं, निर्देशक होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑस्कर। सबने सुने ऑस्कर, है ना? ऐसे जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए एक अवार्ड होता है, उसका नाम है नोबल। सुना है नोबल? ऐसे जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनके लिए होता है ग्रैमी। एक वर्ग के लिए एक खास तरह का एक अवार्ड है, वो लक्ष्य है। एक वर्ग के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक ही तरह के लोगों के लिए एक लक्ष्य है। ऐसे शास्त्र कहता है सभी पुरुषों परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षज्य। किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं की, सभी पुरुषों परो धर्मो, जितने भी जीव हैं, जीव जगत का एकमात्र लक्ष्य क्या है, सवै पुंसो परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षज्य। भगवान की भक्ति करना ही उनका अवार्ड है, लक्ष्य है। और वो अवार्ड को पाया कैसे जाता है? अ है तो कि अप्रतिहता सवै आत्मा सुप्रसिद्धते। बिना किसी हित के कि मैं भगवान का आज दो माला किया और रात को भगवान सपने में आए, आज शाम मोरे सपने में आए बन, दे गए मुझे 500 का नोट और कहा तुमने दो माला किया, लो सुख संपत्ति घर आवे, पहले कष्ट हरो मेरा, फिर मैं दूंगा आपको मेवा। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। मार विराख भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मैं कोशिश कर रहा हूं गुरु वर्गों की वाणी को याद करने का। वो कहते आप मारो
रखो जो आपकी इच्छा। मैं दास बन ही गया हूं तो मैं इच्छा क्या रखू, मैं अधिकार क्या रखू अपने ऊपर। अधिकार किसका? आपका। मार भी राख भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। कीट जन्म हो अभी यथा तुआ दास, कीड़े के रूप में भी जन्म दे दो पर अपने किसी भक्त के घर में कोई नाली होगी उस नाली का कीड़ा बनाना। ये भाव रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के, ये गुरुवर्गों की वाणी है। तो इन भावों का हृदय में आना जरूरी है, ये शरणागति का हृदय में आना जरूरी है। फिर नाम होगा, फिर नाम में प्रार्थनाएं कर करके इस स्थान पर पहुंचे हो, निवेदन कर करके शब्द शब्दावलियां सुना सुना के इस स्थान पर पहुंचे हो। हम बार बार बोलते रहेंगे हरी आ जाओ हरी आ जाओ, हरी भी निकल के बोलेंगे कितना आ जाऊं, आ तो गया। अब जब हरी आ ही गए हैं सामने विराजमान है गए महाराज, तो क्या होता है उनकी गुणों का व्याख्यान होता है। तो आइए थोड़ा अपने अंदर चलते हैं, एक दूसरे को भूल करके देखो, एक दूसरे को देखोगे तो कभी आगे नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं। एक दूसरे को भूल करके अपने एकांत में भगवान का स्मरण करते हुए उनका जो भी आपके हृदय में भाव है उनको लेकर के इस नाम को गाइए। ये नाम आपको बहुत कुछ दे सकता है, इस बात को समझ लीजिए, जिन्होंने पाया है वो जानते। तो आइए थोड़ी देर भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद नाम प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। अगर भगवान रूप की महिमा गवाना चाहते हैं तो गवाएंगे, गुण की गवाना चाहते हैं गवाएंगे, लीला की गवाना चाहते हैं गवाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले नाम करना होगा। तो आप लोग तैयार हैं? रूप गुण कर्म लीला भगवान के को महसूस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको महसूस करने के लिए पहले क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैंने पहले बोला मैं सिर्फ अकेला कीर्तन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला था मैं नीचे बैठूंगा। आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा संख्या में हो, आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा, सबको देख रहा हूँ, एक बार और बोलो। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी एक बार बोलेंगे उच्च स्वर से सब लोग हरे कृष्णा। इसी को अब जो भी आपके मन में भाव है, वात्सल्य साख्य शांत माधुर्य दास से जो भी है, उसके अलग भी जो भी है कुछ भी है, इस नाम से भूल जाओ एक दूसरे को, थोड़ी देर के लिए एकांत में हो जाओ, ठीक है? मैं तो चश्मा उतार देता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे ये बेनिफिट है। आप लोग भी अपने अपने चश्मे, या नहीं लगे तो आंखें बंद कर लो, लेकिन इस नाम को महसूस करते हुए साथ में गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मृदंग की आवाज थोड़ी खोल दीजिए।
लोग बोलेंगे एक बार, माइक में कोई नहीं बोलेगा, सब लोग दोनों हाथ उठा के हरे बोलो हे कृष्णा।
आवाज से भगवान आने चाहिए। हरे पूरी जान लगाइए जान से एक बार और सब लोग लगता है आनंद है वो बोलेगा हरि बोल। जिसको लगता है कितना आनंद है थोड़ा आनंद है आपके हरि बोल से पता चलेगा नाम में कितना आनंद है। आप लोग जो बाहर खड़े हैं आप लोग भी बोलिए हरि बोल। इधर वाले सब लोग लग रहा है कि आपको आनंद आ रहा है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात बोली थी ये मेरी कला नहीं है ये यहां पे बैठे किसी की कला नहीं है ये नाम का महत्व है। इसलिए बोला परिक्रमणी इसीलिए बोला अविक्लवस्ते परिक्रमणी स्थितो मामे समुन्नत अजमानिनो। ब्रह्मा जी कहते मैं करता नहीं हूं मैं करने वाला नहीं हूं करवाने वाले आप।
मैंने कहा था नाम के बाद जो भगवान हृदय में लेके आएंगे उधर ही बह चलेंगे। दो पंक्तियां हैं सिर्फ, लेकिन अगर किसी को ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है। मैं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद महात्मा वृंद को अपना प्रणाम करता हूं। आप कृपा करें कुछ संभव। इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। कौन सी बात को? साचो राधा रमन है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब मानते हैं। और कुछ सच आपके जीवन में है? हाँ, सच एक ही जो बदले ना, समय भी बदलता है वो भी सच नहीं। सत्य की परिभाषा क्या है? जो था है और रहेगा। आप जीवन में जितने मर्जी सहारे ढूंढ लो, ये मेरा निजी अनुभव है, जितने मर्जी सहारे ढूंढ लो, जितने मर्जी लक्ष्य ढूंढ लो, पर जब तक आप कृष्ण को अपने जीवन में ना लेके आएंगे, कृष्ण को, कृष्ण की बात कर रहा हूं। यहां पे कुछ लोगों के मन में ये भी होगा किसी की भी पूजा कर लो, नहीं मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण, केवल कृष्ण। अगर संबंध की बात है, आराधना की बात है, उपासना की बात है, पूजन की बात है, कर्म की बात है, तो अन्य अन्य भी हैं, मना नहीं है। लेकिन अगर संबंध बनाना है, इफ यू वॉन्ट ए रिलेशन, इफ यू वॉन्ट ए रिलेशनशिप, तो एक ही है। कौन कौन सुन मेरा, कौन? एक ही। ये मैं नहीं बोल रहा, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सिद्धांत तत्त्वा भेद अपि श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कर्षितो। भाव का मतलब होता है रस के साथ भाव आना। कोई भाव ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस नहीं हो। रसेन उत्कर्षितो कृष्ण रूप हमेशा रसास्थिता। अगर संबंध की बात है तो सत्य कौन है? राधा रमन कृष्ण। इसलिए ये बात बोलनी ही पड़ेगी। साचो राधा रमन। साचो सब संसार। मानते हो क्या? मानते हो तो कहो सब लोग। साचो कुछ लोगों को शायद नहीं लग रहा, दूसरी वाली जो पंक्ति है दूसरे लोगों को लग रहा है कि नहीं ये झूठ, संसार झूठा नहीं, समय आने पे पता चल जाएगा। उसकी एक्सप्लेनेशन करने नहीं बैठूंगा, लेकिन समय आने पे पता चल जाएगा। साचो राधा रमन साचो I'm not afraid.
तो कहो मैया बोलो साचो एक राधा रमण है साचो एक राधा रमण है साचो एक राधा रमण है साचो एक राधा रमण क्योंकि झूठो है संसार
हरि विफले जन्म गवाइनो मानुष जन्म पाया मैंने मनुष्य का जन्म पा कर भी आपके नाम की महिमा को जान कर भी समझ कर भी मैं संसार का विषय छोड़ ही नहीं पाया। हे कृष्ण हे माधव ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया मैं हार गया। हार के बिना कोई शरणागत भी कैसे होता। आज मेरी जो आपके प्रति शरणागति है वो उस हार की वजह से ही है। मेरा घमंड था संसार में कि मैं ये पा लूंगा वो पा लूंगा और सब कुछ पाया भी लेकिन मैं हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना ही भजिया जानिया सुनिया विष खाए मैं जानते समझते हुए भी इस जहर को खाता रहा इस संसार के विषय को भोगता रहा। अब मैं आपकी शरण में आ गया क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया साचो तेरा नाम है साचो तेरा नाम। मैं सबको बताऊंगा सारे संसार को बताऊंगा हर एक जन को बताऊंगा साचो आपके नाम में आनंद है। आप लोग झूलन उत्सव कर रहे हैं। हमारे गौड़ीय समाज में एक भाव को बड़ी प्रधानता दी जाती है जिसे विप्रलंब भाव बोलते हैं। कौन सा भाव? विप्रलंब। जब एक ही समय में मिलन और विरह का सुख प्राप्त हो रहा है झूलन यात्रा उसका प्रतीक है। जब भगवान को पास में लेके आए तो मिलन जब छोड़ दिया तो विरह। उसमें आनंद भगवान के विरह में भी आनंद है। वो कहते हैं ना हम भगवान को पुकारते पुकारते पूरा जीवन दे देते हैं लेकिन भक्त क्या कहता है देना ही है तो मुझे आपका इंतजार दो। आपका इंतजार करने में वो आनंद है जो आपसे मिलने में देने इसीलिए आनंद कन श्रीमन मोहन बोलो आनंद कन श्रीमन मोहन आनंद कन श्रीमन मोहन आनंद कन श्रीमन मोहन
जिस चीज को पता चल गया कि राधा रमन का नाम सच है वो हाथ उठाए, नाम पता चल गया सच है, नाम ले भी लिया। अब चलते हैं भगवान के रूप के ऊपर। किसके ऊपर? रूप के ऊपर। मैंने कहा था ना नाम प्रस्फुटित है, गुण रूप कर्म। गुण भगवान का बोल दिया, क्या बोला? साचा एक राधा रमन झूठो सब संसार। ये भगवान का गुण है कि वो सत्य है। अब उस सत्य का रूप कैसा है? निराकार नहीं है, रूप है। मैं बताता हूं कैसा है, कैसा है। राधे ब्रज जन, ब्रज जन, राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे आवाज नहीं निकल रही जना, यहां से बोलिए, यहां से प्रेम से, राधे श्याम राधे श्याम। सिर्फ प्रभु जी बोलेंगे, आप रुको, बोल के दिखाओ, राधे श्याम राधे श्याम। हार जाओगे, एक बार राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। उधर पावर ज्यादा है, एक मौका फिर से, पहले माता जी। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। एक साथ सब लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे ब्रज जन्म राधा माधव भगवान। पहले दिन यहाँ पे जो ठाकुर जी झूले पे विराजमान है, किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, ठाकुर जी को पसीना आ रहा है। मुझे किसी ने कहा ठाकुर जी को पसीना आ रहा है, मैंने लगा मजाक कर रहा है।
फोटो में ठाकुर जी की जब मैंने देखा तो ठाकुर जी के दोनों कपोलों पर थोड़ा थोड़ा पसीना था। आज जो इतना बढ़िया महामंत्र हुआ, पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई, तो साढ़े ठाकुर आज ठंड पै गई, नहीं दबा के कीर्तन हो गया। टाइम थोड़ा महाराज जी अपने आशीर्वादन हमें कहेंगे। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक कहा, क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृतम सुदुर्लभा, वहां पे लास्ट है श्री कृष्ण आकर्षणी। प्रेमा भक्ति का एक लक्षण होता है कि श्री कृष्ण को आकर्षण करती है। भक्त सारी उम्र कोशिश करता है साधन, हम जब साधन भक्ति में हैं, हम कोशिश करते हैं श्री कृष्ण हमसे आकृष्ट, हम श्री कृष्ण को आकर्षण करें। प्रेमा भक्ति में क्या होता है, श्री कृष्ण भक्त के पीछे चलते हैं। दो उदाहरण, एक 520 साल पहले का, एक आज का। 520 या 30 साल पहले सनातन गोस्वामी जब मदन मोहन जी को भोग लगा रहे हैं, तो मदन मोहन जी का कोई ऐसा विशाल मंदिर तो था नहीं जो बाद में बना, बस ऐसे खास फूस की एक झोपड़ी डाल दी, छोटी सी, दो पत्थरों के ऊपर कुछ पत्ते रख दिए, मदन मोहन जी को खड़ा कर दिया। एक दिन मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन तो ये शर्म ना आती है? सनातन कहते मैंने क्या किया लाला? कन्हैया को कहते मैंने क्या किया? तू रोज मुझको ये सूखी रोटियां खिलाता है, बाबा जी है ना वो, घर परिवार तो है नहीं, लोगों से इकट्ठी करके लाते हैं रोटियां, रोज मुझको सूखी रोटियां खिलाता है, अरे नेक थोड़ा सा नमक तो डाल दे, तू तो बाबा है तो थोड़ा नमक डाल, मुझे अच्छा लगेगा। यशोदा मैया मुझे माखन खिलाती थी, मिश्री खिलाती थी, तो थोड़ा सा नमक नहीं डाल सकता? देखो श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण भक्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे भक्त नचाएगा भगवान वैसे नाचेंगे। और देखो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, भक्त के नखरे देखो, सारी उम्र श्री कृष्ण नखरे करता है, लास्ट में भक्त नखरे करता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, देख कन्हैया तुझे जो चुपचाप खिला रहा हूं खा ले, आज तो नमक मांग रहा है, कल को बोलेगा मोए मिश्री दो, मोए मक्खन, मोए तैना होंगे तेरे नखरे पूरे, ये तेरे नखरे मैं पूरे नहीं कर सकता। देखो हमें सपने में भगवान आ जाए, किसी को भी, वैसे तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, आ जाए और बोले देख बेटा अगले दिन मुझे ना थोड़ा हलवा खिला देना, अरे हम तो दौड़ के बादाम डाल के किशमिश डाल के उसमें बढ़िया सा भोग लगा के पुजारी जी के चरणों में पड़ जाएंगे, पुजारी जी मुझे ना रात को ठाकुर जी आए, ठाकुर, अरे मैं कहता हूँ ठाकुर छोड़ो, अपने सदगुरु आ जाए, जो भी सदगुरु हैं वो आ जाए, और बोले कल तो ठाकुर जी को ये भोग लगा। और यहाँ पे साक्षात मदन मोहन जी कहते थोड़ा सा नमक तो डाल, और सनातन गोस्वामी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सरेआम मैं नहीं डालूंगा, जैसे खाना है खाओ। एक तो ये एग्जांपल, और दूसरा ये देखो, ये जो झूला पड़ा हुआ है, अगर आप अष्टयाम लीला पढ़ो तो जो राधा कुंड पे भगवान की सबसे गुज्ज लीला होती है ना, उसमें एक झूलन भी है। ये लीला का अधिकार हमको नहीं है, ये बहुत हाई लेवल पे सखियों के बीच में श्री राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, ये अधिकार हमको किसने दिया, ये झूलन का, हमारे आचार्यों ने, ये परंपरा किसने डाली, वरना ये जो झूले की रस्सी है ना, ये सीधा हम नहीं पकड़ सकते। एक मंजरी को कोई पुष्प पसंद आया, सीधा तोड़ के थोड़ी राधा रानी की तरफ लपक पड़ेगी वो, हे राधे मुझे ये फूल पसंद आया जरा अपने बालों पे लगा लो, नहीं, मंजरी का अधिकार नहीं है। मंजरी फूल तोड़ेगी, सीनियर के पास जाएगी, उससे सीनियर से होते हुए वो फूल अष्ट सखियों तक जाएगा, तब जाके ललिता जी के हाथ में आएगा, ललिता जी तब विशाखा को, तब ललिता जी विशाखा से ऊपर ललिता जी सीधा राधा रानी को अर्पित करेंगे। ये है परंपरा। और देखो इतने हाई लेवल की झूलन सेवा को हमारे आचार्यों ने हमारे बीच में प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं भक्त के द्वारा। मैं प्रार्थना करूंगा सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, बड़ी जोर लगा के कीर्तन करवाया, प्रभु जी ने बुला बुला के ये बोल, तुम भी बोलो, बड़ी मेहनत कीती तुसी, है ना, तो बिना प्रसाद पाए तुसी जाना नहीं है किसी ने भी,
तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, लास्ट में मुनीम भी आ गया, जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी आ गया, दो चार सबूत देने वाले भी आ गए, पैसा भी रखा हुआ है। अरे जिसकी जमीन है वो साइन नहीं करेगा तो डील होगी? डील होगी पाजी? पैसा भी रखा हुआ है तुसी, साइन नहीं करने में भी डील कैसे होगी? तो साइन किसके चलने? अभी महाराज जी के साइन होने ऊपर, क्योंकि देखो संत हैं, संत की रिस्पेक्ट जो है वो भगवान ने की है। मद भक्त पूजा मय भयो अधिको अर्जुना, भगवान ने भागवत में भी कहा कि मेरे भक्त की पूजा। तो मैं प्रार्थना करूंगा महाराज जी, 5-10 मिनट रह गए हैं, कुछ आशीर्वचन दे, उसके बाद सब भगवान को वापस गर्भगृह में ले जाएंगे। पूज्यपाद महाराज जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। 11 तारीख से 15 तारीख तक झूलन यात्रा महोत्सव बड़े यानी कि बहुत आनंद से हो रहा। जो जो बीच में आप लोगों ने सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले साल फिर ऐसा ही होगा, अच्छे अच्छे महानुभाव फिर आएंगे। इनसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे गोवर्धन नाम क्या उनका, आपका नाम गोवर्धन है, गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ फिर अगले साल फिर आएंगे। बड़ा सुंदर कीर्तन किया, कहते हैं कि इसमें कितना मग्न रहे देवी तो कीर्तन करते रहे। देखिए कितना इसमें आनंद आया, आनंद आते तभी तो कीर्तन किया जाता है। हमारे हरिदास ठाकुर को 3 लाख करना को मामूली बात थी, आनंद आता तभी कर देते, एक माला करके छोड़ देते हैं बस फिर करेंगे। लेकिन क्या है उस आनंद की क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं। लगातार 12 घंटे यानी 12 घंटे नहीं 24 घंटों में से 20 घंटे 22 घंटे हरि नाम किया, यही महामंत्र करें जो किया है, कितना आनंद आता होगा उनको करने वाले को। इसलिए नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों में जागृति हो बहुत नाम के लिए। बहुत नाम करना कितना जरूरी है, खाने से भी ज्यादा जरूरी है। खाना खा के तो फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन उसका नाम कभी नहीं भूलते। इसलिए वश चाहिए, बहुत नाम करते रहिए। आज अपने अंबरदेव की शुभ आविर्भाव तिथि पर आप सबको बधाई हो। बहुत लंबा इतिहास है उनका, लेकिन फिर भी है संकर्षण है, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। जो भाव राम रूप में रामचंद्र की सेवा में करते हुए नहीं कर पाए लक्ष्मण जी, वो सेवा इस भाव में, इसमें हमारे त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने जो की सेवा की है जी, और सेवा की और फिर उनको वो भी किया, आज्ञा भी करते रहे, बीच में सम्मान करते रहे। इतिहास हमारे द्वापर युग में लीला अवतार हैं, लीला भगवान हैं, महाप्रभु का भी उसमें योगदान रहा। महाप्रभु कितना आनंदित रहे, उन्हीं की देन से आज इतना बड़ा कीर्तन का फैलाव है। हमारे वैष्णव समाज में केवल मात्र नाम संकीर्तन पर भी जोर दिया जाता है, नाम संकीर्तन कर। यह है हमारे जन्माष्टमी का परिवार है, इसमें भी यह सहयोग दीजिए। इतना कहते हुए मैं आप सब बहुत करता हूँ, आपको आज ने बड़ा सुंदर प्रोग्राम रहा, ऐसे हर दबाव का होता रहेगा। और जन्माष्टमी का 3 दिन प्रोग्राम जो आ रहा है 21-22 उसमें भी आप लोग खूब सहयोग दीजिए, आते रहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। रात का जो भंडारा रोज होता रहेगा इन दिनों में, घर में कोई रसोई बनाने की जरूरत नहीं है, शाम को जिस देर बैठा रहिए वंशा कल, क्योंकि फिर ठाकुर जी जाएंगे, उनका जीवन का अंदर आरती को ले जाएगा, समय कम है इसलिए, और फिर प्रसाद सब पाके जाएंगे करते रहेंगे। वंशा कल्प कृपा पतिता ना पावन
आप लोग अपना नृत्य करेंगे और प्रभु जी लोग सब अपना नृत्य करेंगे। जिसको नहीं मालूम आप जितने भी भक्त लोग हैं आप सिखाइए। अपने दाएं पैर को बाएं तरफ लेके जाना है और बाएं पैर को दाएं तरफ लेके जाना है। सब लोग नृत्य करेंगे। माता जी लोग घेरा बना लीजिए और आप लोग भी घेरा बना लीजिए। आनंद लीजिए महामंत्र का। Hare Krishna.
दोनों हाथ से ताली बजा के
जाना चाहता दोनों हाथों पर करेंगे, आप नहीं जाना चाहते दोनों हाथों पर, वृंदावन में जाके करेंगे क्या? वृंदावन में कुंज गलिन में, वृंदावन में कुंज गलिन में क्या करेंगे? राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। Radhe Shyam, 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 Radhe Shyam,
तो कैसे पुकारेंगे? राधे श्याम, राधे श्याम, दोनों हाथ उठा के बुलाइए, 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 राधे श्याम, राधे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Bye.
प्रसाद के रूप में मिलेंगे, एक एक करके आइए और प्रसाद ले जाइए। हरि बोल।